बिल्कुल भी नहीं, हम वाइन बिल्कुल नहीं पीते। वाह, लिप रीडिंग भी जानती हैं आप। वैसे मैंने आपकी पहरेदारी स्किल्स के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। जस्ट अ ग्रेट इवनिंग। हमारे स्किल्स हमारा एक हिस्सा है दाता, हमको डील विद इट। आई थिंक आपको वाइन पी लेनी चाहिए, क्योंकि आपका दूसरा हिस्सा शांति से बैठेगा। यू हैव फन, कम ऑन, जस्ट एंजॉय करने के लिए हमें वाइन पीने की जरूरत नहीं। रियली? तो प्रूव कीजिए। आपको वो लड़का दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है? उसके रुमाल पे अगर आपने लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको। क्या कहती हैं? और हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। आप ये सब नहीं करना चाहती? क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि आप वाइन के बिना भी एंजॉय कर सकती हैं। अब क्या हुआ? मेरी पहरेदार है ना, मैं जो कहूंगा आप वो ही करेंगे। अब मैं कह रहा हूं वो कीजिए। क्या हुआ, डर गई? चलिए छोड़िए, आपकी बस की बात ही नहीं है ये। बोरिंग। ब्लैकबोर्ड राइट? मैम, आई ओके? इट्स ओके। सॉरी नो। अगर आप पुराना माने तो क्या हम आपका रुमाल यूज कर सकते प्लीज? श्योर श्योर, ये लीजिए। थैंक्स। मान गए हमें? I don't believe this. आप दिया ही है ना? हाँ दादा को। और जैसे कि हमने आपसे कहा था, एंजॉय करने के लिए हमें वाइन पीने की जरूरत नहीं। और एक बात, हम सिर्फ वोट नहीं पढ़ते, इंसान भी पढ़ते हैं। झुमकी को हर रोज रात को रिश्वत देकर जो आप किमामी पान खाते हैं ना, उसके बारे में हमें पता है। आपके जुबान का रंग बताता है। ये टी शर्ट आपकी फेवरेट है ना? आपको लगता है कि आप इसमें बहुत कूल लगते हो ना? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केसर महल के दूध वाले के पास भी सेम टी शर्ट है। व्हाट? दूध वाला? गाइस गाइस हेल्प मी, मैंने यहाँ पे डेट पे लेके आया और ये मुझे मुझे दूध वाला कह रही है। और एक बात, रात को सोते समय ना That's nonsense. मैं बिल्कुल स्नोर नहीं करता, okay? स्नोरिंग की बात तो हमने की भी नहीं थी, आपने खुद ही बता दिया। थैंक्स। मुझे तो आज पता चला कि आप में दो दो दिया। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ और समय बिताइए, आपको हमारी खूबियों के बारे में और भी पता चल जाएगा दाता हुकुम। मैं तो यही हूँ, आप है जो हमेशा जाने की बात करती है। ये तो वैसे ही खीर की खुशबू है जैसी मैं बचपन में खाया करता था।
बचपन से आपको ये खीर पसंद है दादाओं को, लीजिए खाइए। अब तो हमने भी एक चम्मच खा ली, अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं, अब तो आप खा सके से ना। ये सब क्या है छोटी टकरानी साहब, आप यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब हुकुम, आपकी बदतमीजी दिन पर दिन नए रूप लेती जा रही है। ये जरूरी नहीं आप जो सोचे या करें वो सब सही, यहाँ कर देखिए। रश्मना ये सब क्या है? भाई साहब हुकुम, आपके पास ही आ रहे थे। दादीसा के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे वो सारे गलत हैं। ये पेज जो आपको मिला था ये उस बुक का था ही नहीं। हम मानते हैं कि इस पेज में जो लिखा है वो खोए हुए पेज से बहुत मिलता जुलता है, पर ये वो नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। और फिर वो पहेली? वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तो क्या ये भी इत्तेफाक है? इन्होंने खुद ने छोटी टकरानी सा का नाम लिया था। हमने उनका नाम जरूर लिया था, पर कोई आया था हमारे पास जिसे हम नहीं जानते। उसने हमें धमकी दी और कहा कि जब भी दिया बाई सा हुक्म आए और कुर्सी के बारे में पूछे तो छोटी ठकरानी का नाम लेना है, अगर ना लिए तो बच्चे को जान से मार दिया जाएगा, इसलिए हमने झूठ बोला। हम बहुत घबरा गए थे और इस मौत की कुर्सी के बारे में हमें पहले भी किसी औरत ने फोन किया था, उसी ने धमकी भी दी थी। हम क्या करते? सुन लिया आपने? वाह दिया भाई साहब वाह, आप तो बड़े समझदार है ना भाई साहब हुकुम। तो आपने ये जरूरी नहीं समझा कि सबूत को ढंग से क्रॉस चेक करके इल्जाम लगाती? बिना वजह के मामी साहब को जेल पहुंचा दिया। दादा हुकुम, जरा सोचिए के समझेंगे लोग हमारे परिवार के बारे में? क्या ममता के बदले लोगों को जेल भिजवाते हुए? देखिए अपनी काकी मासा का चेहरा खूनी लगे के थारे को। सच कहे थी माँ, झूठ कहे थे लोग, खारी लागे माँ ने मीठा लागे लोग। हमें आपसे कोई शिकायत कौनी से, दिया भाई साहब वही कर रही थी जो दाता हुकुम के हित में से, उनका कोई दोष कौनी से। हमें आपसे कोई शिकायत कौनी से दिया भाई साहब, आप एक पहरेदार से और हम सब लोगों को उसी की नजर से देख रहे से, जैसे हम माँ से और उसी की नजर से देख रहे से। जाइए सर। इन 12 सालों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ तक कि यातना घर में भी जो हुआ, उस सब के पीछे छोटी टकरानी सा का हाथ है। सारिसा के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे
वो सारे गलत हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमसे कैसे गलती हो गई। हमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया दाता हुकुम। उस कारीगर ने सच में छोटी टकरानी सा का नाम लिया था और फिर वो बाकी सारे सबूत हम और क्या सोचते दाता हुकुम। और वो पहले भी वही थी जो छोटी टकरानी सा ने उन बच्चों को सिखाई थी। और फिर उनके कमरे से मिले उस किताब के फटे पन्ने। हर बार आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो सकता दिया। इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ आपके शक के बेसिस पे नहीं हो सकता। पिछले 12 सालों से आप इन लोगों पे शक कर रही हैं। कल मैंने आपसे 10 बार पूछा था कि दिया आई यू 100% श्योर कि इन सब के पीछे काकी मासा का हाथ है और हर बार आपने कहा कि यस यू श्योर। और आपके चक्कर में देखिए मैंने क्या कर दिया। काकी मासा तो आपके लिए कितना अच्छा सोच रही थी, आपके लिए गिफ्ट्स प्लान कर रही थी, फंक्शन की तैयारियां कर रही थी, और आपने क्या किया? वो अपने 12 साल की नफरत भूल गई, लेकिन आप नहीं भूल पाए। You have hurt her, दिया। ना ही आपने उनकी उम्र का लिहाज किया और ना ही रिश्ते का। पर हमें कैसे पता चलता कि वो कारीगर झूठ बोलने वाला था? जैसे आपने जान लिया कि वो सच कह रहा था, क्या एक बार भी आपने उनकी बात क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि वो सच आपके लिए कन्वीनियंट था। दिया पिछले 12 सालों से आप सिर्फ एक रोल निभा रही है, पहरेदारी का, रिश्तों का विश्वास भूल चुकी है। दिया आपने कल रात को खुद मुझसे कहा था कि आपको शक करने की आदत हो गई। You're horrible, दिया। You're horrible. आपने मेरी माँ समान काकी मासा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। थोड़े गिर गए, दूध पीती बिलाई कढ़ाई मचा पड़ी। वो दिन भी आ गया जब दिया बाईसा दाता हुकुम की नजरों से थोड़ी गिर गए। आपके साथ साथ मैंने भी। आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं दाता हुकुम? सिर्फ यही नहीं, आपको शक करने की आदत हो चुकी है, जिद भी हो चुकी है आप। एक बार किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लिया बस वो फाइनल है। एक और वर्ड है आपके लिए, अखड़ू। ये आप इमोशंस का मतलब नहीं समझती। अगर आपको पता होता तो ऐसा कभी नहीं करती। आप हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती दिया, गलतियां आपसे भी हो सकती है। आप भगवान नहीं है। भोले राजा अपने मंत्रियों की बात मान बैठे। काकी मासा का नाम लेने के लिए कारीगर को किसने मजबूर किया होगा? आखिर वो धमकी दी किसने? समझ नहीं आ रहा कि कारीगर को सासू माँ का नाम लेने के लिए किसने बोला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सब मंत्री मिलके उन्हें राजगद्दी से हटाना चाहते थे। आसान कौनी से कठपुतलियों को नचाना। आ जाइए यहां, हम आपको सिखाते हैं कैसे नचाना है। नाना, ताकत से बात उलझेगी। ताकत कौनी लगाने से, दिमाग से काम लेना से, और दिमाग सब्र की मांग करता है। हम जानते हैं कि आप दोनों के दिमाग में एक ही सवाल से, मगर इस खेल के कच्चे खिलाड़ी हैं आप दोनों। नहीं जानते कि ये सारा किया धारा हमारा ही से। छोटी ठकरानी सानी तो और कौन हो सकता है? कौन ये सब कर रहा है? आपके
की वफादारी तो तभी निभेगी जब आप नाम बताएंगे। छोटी ठकराई सा, हमारा शक गलत कैसे हो गया? कहीं छोटी ठकराणी साहब पर शक करके हमने और भी बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? ये नित्यानंद बाईसा, ये प्रिया कुवरानी सा, ये ईशा कुवरानी सा और ये आयुष पन्ना, ये साक्षी बाईसा और ये मोहक जमाईसा, और ये हमारे ठाकर सा। सब लोग राज करना चाहते थे, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि अकल बिना ऊंट उभाणा फिरे। सब लोग आपस में लड़ झगड़ कर हार हो जावेंगे, और बचा कौन? सपना तो बस हमारा पूरा होवेगा, राज करने का। हम होंगे असली ठकराणी सा, केसर महल की महारानी, हर मायने में सब पर राज करेंगे हम। अगर आप और एक दिवाली देखना चाहते से तो जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आपसे यातना घर के बारे में अगर कोई पूछे तो सुषमा ठकराणी सा का नाम लीजिए, और कहिए कि किसी औरत ने आपको फोन करके ऐसा करने के लिए कहा से। समझ गए? ये पहली सीक्रेट सर्विस वालों को ऐसे भेजिए कि उन्हें लगे उन्होंने पता किया से। इस पहेली को याद कर लेना, जवाब देना है आपको। हमारा जेल जाने का प्लान कामयाब रहा, और रतन सा की नजर में गिरने की पहली चाल भी कामयाब रही। दिया वैसा, हमारा प्लान केसर महल पे राज करने का से, और आपको यहाँ से बाहर निकालना। दिया वैसा, दो और दो चार आप कर सके से तो हम भी कर सके से। चाल भी हमारा और खेल भी हमारा, आपका काम है बस खेलते जाना। ये तो बस छोटा सा खेल से, आगे जाकर ये खेल और भी मजेदार होगा। आप और दाता हुकुम खेल में मगन रहेंगे, और हम आज तो राजा की ढाल गिराई हमने, कुछ दिन बाद राजा खुद गिर जावेगा। उसके बाद केसर महल में सुषमा ठकराणी सा की हुकूमत होगी, राज होगा। कहीं दाता हुकुम सही तो नहीं? क्या हम सच में इतने शकी हो गए हैं कि हम सच और झूठ का फर्क ही भूल गए हैं? क्या सच में हमारा सच्चाई और अच्छाई से विश्वास ही उठ गया है? क्या हम सच में सबको शक के तराजू पर तोलने लगे हैं? जी जी, ये वाला देखिए, हमारा फेवरेट है। कितना प्यारा है ना? ये तो है, ये बहुत सुंदर है भैया। और ये क्या है? इसमें तो छेद है, आपने ठीक से देखा भी नहीं ना इसको लेते हुए। ओह नो, हमने इसके पूरे 1500 रुपीस भी दे दिए। क्या आपने इसके लिए 1500 दिए? इतना महंगा दुपट्टा, और उस दुकानदार ने आपको ठग लिया है। वो 18 साल की दिया थी, जो अभी ऐसे नहीं हो सकती। अब आप जो कहना चाहे आप कहे, पर सवाल आपकी सुरक्षा और बाप जीसा के वचन का है, और इस मामले में हम बिल्कुल भी इमोशनल फूल नहीं बनेंगे। इस मामले में हम सबकी सच्चाई और अच्छाई 1000 बार परखेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.